हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ व्रत के लिए इडली, व्रत की इडली। क्योंकि हम लोग साबूदाना वड़ा, साबूदाना डोसा, साबूदाना खिचड़ी या आलू की खिचड़ी खा खा के कई बार बोर हो जाते हैं, तो आज मैं इडली लेके आ रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छी है, सॉफ्ट है, आप इसको खा सकते हैं और इसको हम नारियल की चटनी के साथ खाएंगे। तो चलिए मैं आपको आज इस डिश के बारे में बताता हूँ कि हमने आधी कटोरी साबुदाना लिया हुआ है और एक कटोरी हमने सामे का चावल लिया हुआ है। तो ये देखिए, सामे का चावल को इस प्रकार से हमारे को भिगाने का, आप देख सकते हैं, इसको कम से कम 2 घंटा भिगा के रखने का है। हमने 2 घंटा भिगा के रखा हुआ है और साबुदाना के अंदर जब भिगाए आप तो साबुदाना के ऊपर तक पानी आ जाना चाहिए, अदरवाइज साबुदाना फूलेगा नहीं। कम से कम 2 घंटा साबुदाना को भिगाने का, 2 घंटा हमारे को सामे का चावल भी बोलते हैं इसको। इसके बाद मैं आपको इसका बैटर कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। हम दोनों को एक एक करके ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, हमने साबुदाना पीस लिया है, अभी हमने सामे का चावल यानी सामा डाला हुआ है, इसमें जब हम ग्राइंड करेंगे तब हमारे को 1 कप आपको दही लेना है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, तो ये दही मैंने 1 कप डाल दिया इसमें। और आप अपना जो भी तीखापन आपको जैसा चाहिए, मैं इसमें अदरक और मिर्ची का पेस्ट ले रहा हूँ, बहुत ही थोड़ा सा ले रहा हूँ। देखिए, बहुत ही थोड़ी सी क्वान्टिटी, ये क्वान्टिटी में इसमें डाल रहा हूँ। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगा। ये देखिए, हम लोगों ने सामा और साबुदाना दोनों को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, अदरक और मिर्ची का मैंने पेस्ट भी डाला हुआ था जो मैंने मिक्सर में पहले पीस लिया था। अब मैं इसमें, आपके पास अगर इनो हो तो आप इनो डाल सकते हैं, नहीं तो मैं इसमें अभी ये लगभग छोटी चम्मच में सोडा डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर, और ये सोडा डाल के मिला दूंगा। देखिए, बैटर बहुत अच्छा बन गया है, आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया बैटर बन गया है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे अपने स्वाद अनुसार। तो हमने रॉक सॉल्ट लिया हुआ है, तो ये देखिए, ये आधी चम्मच से लगभग मैं रॉक सॉल्ट डाल रहा हूँ। ये रॉक सॉल्ट मैंने डाल दिया और इसको हम नारियल की चटनी के साथ खाएंगे। जो नारियल की चटनी है वो ऑलरेडी मेरे पुराने वाले वीडियो में है, उसका लिंक भी आपको हम शेयर कर देंगे। और इसको हम अभी 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसमें इडली बनाएंगे। हाँ, ये देखिए, इडली मेकर रख दिया मैंने इसको। देखिए, ये इसके अंदर मैं इडली का बैटर डालूंगा। बैटर डालने के बाद प्रॉपरली सबको ग्रीस कर लूंगा, आप देख सकते हैं, सभी को आपको ग्रीस कर लेना है, चारों को ग्रीस कर लेना है। ये देखिए, इसमें हमारे को 1-1 चम्मच बैटर डालना है यहाँ, तो ये अपन 1-1 चम्मच इसमें बैटर डाल रहे हैं, ये फूल के बड़ा हो जाएगा। आपको प्रॉपरली हमने ग्रीसिंग कर लिया है, हमें बैटर डाल रहे हैं। ये देखिए, हमने इसमें रख दिया। अब ये 5 से 7 मिनट इसको स्टीम करेंगे, स्टीम करने के बाद इडली बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए, हमारी इडली बन के रेडी है और ये हमने ढक्कन खोल लिया है, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। इसको टेस्ट करने के लिए खाली हमारा ये देखना है, चक्कू डाल के देखना, देखिए चिपक नहीं रही है, हमारी सभी इडली बन गई है, चिपक नहीं रहा, देखिए। अब इसको हम निकाल के सर्व करेंगे प्लेट में। ये देखिए, हमारी इडली बन के रेडी है, जैसे हम नॉर्मल इडली बनाते हैं ऐसी इडली ये है। और इसके साथ में मैंने खोपरे की चटनी ली है, इसमें खोपरा लिया हुआ है, मूँगफली ली हुई है और थोड़ा सा मिर्ची डाला हुआ मैंने इसमें, और थोड़ा सा अदरक डाला हुआ। अगर आपको अदरक और मिर्ची नहीं डालना है तो आप ऑप्शनल है, मत डालिए। और मैंने इसमें रॉक सॉल्ट लिया हुआ है, सेंधा नमक। इसमें हमने फ्राई नहीं किया हुआ है क्योंकि हम चटनी को फ्राई करते हैं तो कई बार बहुत से लोग इसमें लाल मिर्ची नहीं खाते हैं या कड़ी पत्ता नहीं खाते हैं, तो इसको अगर किसी को फ्राई करना है तो कड़ी पत्ता और जीरा का फ्राई इसमें कर सकते हैं। ये रेसिपी के हिसाब से आप इडली बनाइएगा। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे नई नई डिश की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एंड थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के लिए।